आदित्य चोपड़ा की निर्मित पठान फिल्म का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही विवादों में घिर गई थी। सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। इस मामले में 16 दिसंबर 2022 को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर फिल्म एक्टर शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 17 जनवरी 2023 की अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। इस मामले में सीजीएम ने कहा कि वह खुद इसकी जांच करेंगे। गौरतलब है कि अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि फिल्म निर्माता ने जानबूझकर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म बनाया है। बेशर्म रंग के माध्यम से देश में अश्लीलता फैलाई गई है। उन्होंने बताया कि यूट्यूब एवं कई चैनलों के माध्यम से पठान मूवी का ट्रेलर देखा है और उसके गाने को देखा है। बेशर्म रंग कहां देखा दुनिया वालों ने गाने के माध्यम से देश में अश्लीलता एवं हिंदू समुदाय के लिवाज को निशाना बनाते हुए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। धारा 294, 297, 298, 153, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिल्म पठान में फिल्मांकन के समय एक गाना शूट की गई जिसमें भगवा रंग को बेशर्म रंग कह करके गाना का फिल्मांकन किया गया। इसके साथ ही उस गाने में अश्लीलता अर्धनग्न होकर के फैलाई गई। इसी को लेकर के शाहरुख खान जो इसके अभिनेता हैं, उसके साथ साथ दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री है, जॉन इब्राहिम समेत कुल 5 के खिलाफ हमने यह आपराधिक मुकदमा माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज कराया था, जिसमें सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इसमें सीआरपीसी की धारा 202 के तहत स्वयं जांच करने का फैसला लिया है और इसकी अगली तिथि 17 जनवरी को मुकर्रर की गई है। उस तिथि को मेरा बयान न्यायालय में दर्ज होगा और न्यायालय खुद इसकी जाँच करेगी। अपने शहर मुजफ्फरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विस्ट टर्किस आइसक्रीम, तो बनाइए अपने पार्टी व नए आयोजनों को और भी खास टर्किस आइसक्रीम के साथ। शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9470740068 पर। हमारा पता है 3rd फ्लोर फूड कोर्ट ग्रैंड मॉल मिठनपुरा मुजफ्फरपुर।